श्री संजय कुमार सिंह जी और पप्पू जी आए हैं हमारे बीच और हम उनका अभिनंदन करते हैं। ये समाज सेवी हैं, दरभंगा जिला के हैं और जो भी सोशल एक्टिविटीज रहती है सब जगह इनका एंगेजमेंट रहता है और काफी एक्टिव रहते हैं। और हमें खुशी है कि आज हमारे मंच पे वो आए हैं। तो आज इस कैंसर दिवस पे हम लोगों का ये आयोजन जो है कैंसर केयर दरभंगा की तरफ से किया गया है। इसमें निःशुल्क परामर्श और कैंसर से जुड़े जांच सब कुछ इन्वॉल्व है और इसमें हमारा एक मकसद है कि हम चाहते हैं, क्योंकि हम लोग इस क्षेत्र से जुड़े हैं, इसी मिट्टी से हैं, मिथिलांचल से हैं, तो हमारा एक कैंसर केयर सेंटर पटना में ऑलरेडी कई सालों से फ्लरिश है और काफ़ी अच्छे तरीके से चल रहा था। लेकिन चूंकि हम लोग यहाँ के हैं तो हमारा पर्पस था कि एक ब्रिज बनाया जाए यहाँ, ताकि पेशेंट को, बहुत सारे पेशेंट बोलते थे कि हमें वहाँ पहुँचने में दिक्कत होती है यहाँ से आते, तो हमने सोचा कि जो इलाज हम वहाँ करते हैं हम वो यहाँ अवेलेबल करवाएंगे सब कुछ। तो इसी पहल से हमने यहाँ ये सेंटर नया इस्टेब्लिश किया और ये बढ़ेगा और डेफिनेटली इससे यहाँ के लोगों को बहुत फायदा होगा। कैंसर इलाज में खर्चे का एक बहुत बड़ा इशू रहता है, क्योंकि लंबा इलाज है, पैसे की दिक्कत हो जाती है और बिहार जैसे थोड़े गरीब राज्य में ये बहुत बड़ा इशू रहता है। तो हम लोगों ने इसके लिए मुख्यमंत्री सहायता राशि और इसके अलावा आयुष्मान ये सब अवेलेबल कराने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत लोगों को अवेलेबल करा चुके हैं। इससे बहुत बड़ा फायदा मरीजों को डायरेक्ट मिल रहा है और आगे भी मिलेगा। अब मैं क्योर कर सकते हैं शुरुआती अवस्था में, और जैसा कि बताया कि मोस्ट ऑफ द कैंसर का जो ट्रीटमेंट, जो रेडिकल ट्रीटमेंट है, आप कम्प्लीटली फ्री होना चाहते हैं, तो जितने भी सॉलिड मेलिग्नेंसी है उनका सबसे फर्स्ट और फॉरमोस्ट ट्रीटमेंट है वो है कैंसर सर्जरी। इसके अलावा जो कीमोथेरेपी वैसे चीज़ें जो हमारे ब्लड के थ्रू किसी दूसरे अंग में फैलती है उसको ख़त्म करने के लिए हम लोग कीमोथेरेपी देते हैं, या अगर मान लीजिए एडवांस स्टेज में डिजीज है, शुरुआत में सर्जरी नहीं हो सकती है, तो हम लोग डाउन स्टेज करने के लिए, जिससे कि सर्जरी के लायक हो सके, तो हम लोग कीमोथेरेपी दे सकते हैं। फर्दर उसके बाद जो है, अगर कुछ हाई रिस्क फीचर होता है, लगता है कि बीमारी फ्यूचर में आने का ज़्यादा रिस्क है, तो हम लोग फिर एडजुवेंट रेडिएशन थेरेपी, विकिरण चिकित्सा से, जो वैसे कण जो जिनको हमने सर्जरी के थ्रू निकाला लेकिन वैसे कण रहते हैं जो नहीं निकल पाते हैं कम्प्लीटली, उसको हम लोग रेडिएशन से ख़त्म करते हैं, जिससे भविष्य में कैंसर के आने की संभावना कम हो जाती है। तो आज जो है इस अवसर पर हम लोग यहाँ पर निःशुल्क चिकित्सा और परामर्श शिविर का आयोजन किए हैं और हमारे यहाँ पर बहुत सारे कैंसर के पेशेंट्स और नॉर्मल पेशेंट्स भी अवेलेबल हैं। तो अब हम लोग आगे जो है इस कार्यक्रम को बढ़ाते हैं। कैंसर के मरीज डिटेक्ट होते हैं जिसमें से 800,000 लोगों की मृत्यु हो जाती है, ये एक बहुत बड़ा डाटा है। तो इस पे बहुत सारे रिसर्च होते रहते हैं, कारण सर्च किया जाता है कि क्यों ऐसा है, इंडिया में ये कंडीशन क्यों है, और जस्ट इससे उल्टा यूरोप और अमेरिका में है, वहाँ मोस्ट ऑफ द कैंसर स्टेज वन में ही डिटेक्ट हो जाता है और उनका सर्वाइवल बेस्ट रहता है, उसमें 90% कंप्लीटली क्योर हो जाते हैं। तो ये हम अंतर है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से। तो इसी पर्पस से हर साल इस तरह का आयोजन, इस तरह का डेट रखा गया है, डिफरेंट कैंसर डे को बनाया जाता है, ताकि सोशल अवेयरनेस बढ़ाया जाए, समाज में जागरूकता बढ़ाया जाए, क्योंकि कैंसर के सिम्टम्स बहुत ही वेग होते हैं। शुरुआती सिम्टम तो नॉर्मल लोग समझ नहीं पाते हैं, कहते हैं कि हल्का हल्का पेट में मीठा दर्द हो रहा है, खाने में लगता है कि गला में कुछ अटक रहा है,
जीभ चलाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, थोड़ा सा आवाज बदल गया है, या खाना ठीक से पच नहीं रहा है, 10-15 दिन से, महीने दिन से लूज मोशन हो रहा है, या महीने दिन से कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, या असामान्य दर्द पैर में फैल रहा है, पीठ में फैल रहा है, तो ये सब बहुत सामान्य तरह के सिम्टम्स रहते हैं जिनको जो नेग्लेक्ट हो जाता है, नहीं पता चलता, और वो जब बहुत सीवियर हो गया रहता है तब वो जांच प्रक्रिया में आते हैं, डिटेक्ट होता है और फिर रेफर किया जाता है हमारे पास। तब तक थोड़ी देर हो गई है और रिजल्ट जो हम लोग चाहते हैं वो नहीं मिल पाता है। रिसर्च, कैंसर रिसर्च पे सरकार, अब भारत सरकार भी अरबों रुपया खर्च कर रही है ताकि ट्रीटमेंट को और बढ़िया बनाया जाए, सर्वाइवल बढ़ाया जाए, मरीज ज्यादा से ज्यादा जिंदगी नॉर्मल बिताए और ऑलमोस्ट क्योर हो जाए। बहुत सारे जितने कैंसर हैं उसमें बहुत सारे कैंसर हैं जिनका रिजल्ट बहुत ही अच्छा होता है, एक्सेलेंट होता है, इवन स्टेज 3 में भी पेशेंट ऑलमोस्ट नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं इलाज के बाद। लेकिन उस इलाज को समय पे अगर लिया जाए तो इलाज रिजल्ट कुछ और होगा। पहले एक जमाना था, आज से 30-40 साल पहले, जब बहुत सारे अंधविश्वास समाज में थे,